क्या आप जानते हैं श्यामा कौन है? शकीला को पहचानते हैं आप? जबीन का नाम पहचाना हुआ सा लगता है। आप सोच रहे होंगे आज आपसे इतने सवाल क्यों, क्योंकि यही सवाल हमने बहुत से लोगों से पूछे। आइए देखते हैं क्या जवाब मिले। श्यामा, शकील, जबीन, इनमें से कोई नाम नहीं सुना? जी नहीं। शकीला या शी इज माय फ्रेंड? नहीं नहीं, श्यामा का नाम नहीं सुना। मेरे घर के आसपास कुछ लड़कियां रहती हैं, उनके नाम है। जबीन तो इनका बहन का नाम है। नहीं नहीं, नाम तो नहीं सुना है। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं जानती? नहीं नहीं जी। नहीं नो नहीं जी। श्यामा का नाम तो नहीं सुना। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने ये गाना सुना है, बाबूजी धीरे चलना या फिर ये लो मैं हारी पिया, इन्हीं लोगों से हमने ये सवाल भी पूछा। आइए देखते हैं क्या जवाब मिले। पुरानी मूवी का सुना हुआ है। जी हाँ हाँ, ये तो याद है जी। सुना है? हाँ 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 जी हाँ, सुना है। बहुत फेमस गाना है, बढ़िया। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। आज का जिंदगी लाइव बेहद खास है, क्योंकि आज आप और हम मिलेंगे उन खूबसूरत चेहरों से जिनके गीत हम बरसों से गुनगुनाते चले आ रहे हैं, जिनकी खूबसूरती की दुनिया कायल रही है, पर जिनके नाम शायद आज हमारे जहन से उतर गए हैं, जिनके आसपास कभी चाहने वालों की भीड़ लगा करती थी, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे, जिनकी फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग रात रात भर लाइन में लगा करते थे, जिन्होंने आज खुद को दुनिया की चकाचौंध से दूर कर लिया है, उन्हें ढूंढते आज हम जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी में जहां हम बीते दौर की तमाम खूबसूरत शख्सियतों से न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि उनके साथ उनकी कुछ सुनहरी यादों को भी बांटेंगे, कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे और सच कहूं तो एक इतिहास रचेंगे। इस भोले चेहरे और चंचल अदाओं ने उस जमाने में लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया था। श्यामा ने 1950 और 60 के दशक में खूब नाम कमाया। जीनत, श्रीमती जी, गुरुदत्त की आर पार, छूमंतर, भाई भाई और शारदा जैसी फिल्मों ने उन्हें एक जाना माना चेहरा बना दिया। उन्नीस सौ 1957 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। चंदन, दुनिया झुकती है और बरसात की रात में उनके काम को आज भी याद किया जाता है। में 9 साल की एक छोटी सी बच्ची ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। हाँ, कैसे हुई थी वो शुरुआत? जब मैं 9 साल की थी तो स्कूल में 5वीं जमात पढ़ती थी, और जमात पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि शूटिंग देखने जाना है। तो नूरजहां की पिक्चरें उस वक्त बहुत चलती थी, तो हम लोग सेट पे गए तो डायरेक्टर साहब के सामने सब लाइन से लड़कियां खड़ी हो गई और कहने लगी कि भाई तुम लड़कियों हमारी पिक्चर में कवाली करोगी? तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं करूंगी, और उन्होंने कहा करे तुम तो इतनी छोटी हो कैसे करोगी? तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत शौक है फिल्म में काम करने का। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा फिर तुम कल से आना शुरू कर दो। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में। परिवार के बारे में पूछे तो मैंने अम्मा से कहा था कि मैं अम्मा मैं शूटिंग पे जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहाँ से बुर्का पहन के जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये लड़की कहाँ जा रही है। तो फिर चुपचाप मैं बुर्के से मुंह ढाक के और जाती थी शूटिंग करने के लिए, और दूसरे दिन रात भर शूटिंग करती थी, दूसरे दिन स्कूल जाया करती थी। तो टीचर ने मुझे बहुत मारा, उन्होंने कहा कि कल से तुम स्कूल नहीं आओगी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैं स्कूल नहीं आऊंगी और मुझे पढ़ना भी नहीं है, इसलिए करके स्कूल छोड़ गया मैंने। तो साइगल मरहूम, उनकी पिक्चर थी परवाना, उसमें एक छोटी लड़की का रोल था,
तो उन्होंने बुलाया मुझे और कहा कि खुर्शीद तुम आओ, हमारी पिक्चर में रोल है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, और मैंने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद फिर परवाना, बीते दिन, नईमा। जब नईमा पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम खुर्शीद हमें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा नाम अलग से होना चाहिए। तो मैंने कहा कौन सा होना चाहिए, तो कहने लगे श्यामा। तो मैंने कहा श्यामा ठीक है, अच्छा ही है, आपको तो ऐसा ही लगा। तो ऐसे आपका नाम पड़ गया श्यामा। हाँ जी। लेकिन श्यामा जी, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में फिल्मों में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था लड़कियों का, तो घर परिवार में आपको ये नहीं हुआ, डांट नहीं पड़ी कि नहीं जाना है या? नहीं, मेरे यहाँ तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं बुर्का पहन के जाती थी तो किसी को पता ही नहीं चलता था। जब मैं हीरोइन बनी तो बड़े बड़े बैनर्स लगा करते थे, तो अब्बा की दुकान के सामने वो बैनर्स लगे, और अब्बा को मैंने कहा कि अब्बा आपने हमें पहचाना नहीं, तो कह लगे कौन है ये लड़की, मैंने कहा वो मैं हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये सचमुच तुम हो, मैंने कहा हाँ। तब तक उनको पता ही नहीं था? अब्बा को पता नहीं था, अब्बा को उस वक्त पता चला जब मैं 1950 में हीरोइन का रोल कर रही थी। कौन सी फिल्म थी वो? दैट वाज श्रीमती जी। कि जब हीरोइन का रोल मिला तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया मुझे एज अ हीरोइन। और शमी जी तो हमेशा मेरी तारीफ और नाचना गाना सेट पे हंगामा करते थे, और मैं कहती थी शमी जी ज़्यादा शरारत नहीं, ठीक तरह काम कीजिए, अच्छी तरह काम कीजिए तो आपका नाम होगा। कोई सेट की कोई शरारत बताइए उनकी। सेट की, सच में मिर्जा साहिबा एक पिक्चर थी, तो मिर्जा साहिबा में मैं और अपने शमी जी दोनों से, तो उसमें ये था रोल कि लड़का इधर से भागता है, लड़की इधर से भागती है, और दोनों भागते हैं और एक दूसरे को अम्ब्रेस करते हैं। तो मुझे बहुत शर्म आने लगी, मैंने कहा मैं कैसे अम्ब्रेस करूँगी, तो शमी जी कहने लगे कुछ नहीं, जप्पी पाला ही, जप्पी पाला ही, ऐसे किया करते थे। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं पहले। हाय पप्पी, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसती रहती थी, चहकती रहती थी। आई पर्सनली थिंक द लास्ट दैट वी मेट was abroad. We met in Berlin, and by that time we had become into a very sophisticated person. My God, dressed up and all, wonderful. I have good memories of you. I wish you all the best. God bless. ये तो surprise दिया आपने। हाँ। वाह। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। I still Remember him. हमें सुना है आपकी बड़ी एक बिंदास, जैसे आपने कहा कि हम कुछ चोरी छुपे नहीं करते थे, the bold and beautiful girl of that era. हाँ, I was, but when I had an affair with Fali Mistry, तो it was coming in a headline. Headline आती थी और कहते थे कि आजकल श्यामा का अफेयर चल रहा है। लेकिन आपको फली जी ने प्रपोज भी बड़े दिलचस्प अंदाज में किया था। हाँ, बहुत अच्छे अंदाज ही थे। हम गए थे महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से जब वापसी में आ रहे थे तो खंडाला ठहरे, तो खंडाला होटल में मैं सुबह उठ के मुंह हाथ धोने गई और ब्रश कर रही थी, तो ब्रश कर रही थी तो उतने में फली साहब आए और आके मेरे को किस करने लगे, तो मैंने देखा और घबरा के मैं भाग गई। फिर जब स्लोली स्लोली हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा तो मुझे दिल में इतनी मोहब्बत हो गई उनसे कि मैंने कभी भी उनसे कभी ये नहीं कहा। मैं हमेशा फ़ोन करके कहती थी कि कब शूटिंग है, कब डेट्स है, कब आना है, कब मिलना है, लेकिन अंदर अंदर वो भी मेरे को देखते थे और कहते थे हो गई रे तेरी, हो गई,
हो गई रे तेरी हो गई, हो गई रे तेरी हो गई, हो गई रे तेरी हो गई। पहले मेल में खेल खेल में, पहले मेल में खेल खेल में, खो गई रे मैं तो खो गई, हो गई रे तेरी हो गई। शादी भी काफी मुश्किल से हुई थी ना आपकी? नहीं, अब्बा जी जरा ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि पारसी हैं हम मुस्लिम हैं, लेकिन मैंने उस वक्त उनका नहीं माना। मेरी मम्मा को ये रिश्ता पसंद था तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए फिर हमारी शादी हो गई। मैं कैसे नाम लूं का जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम। मैं कैसे नाम लूं का जो दिल में रहते हैं हरदम। शूटिंग के दौरान आपको बिमल रॉय ने भी देखा था? हाँ, बिमल दा आए थे सेट पे और उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी पिक्चर में ठीक काम करेगी। तो छोटा सा ही रोल था लेकिन उसमें ज्यादा मदर का रोल इम्पोर्टेंट था, दैट वाज लीला चिटलिस, उन्होंने माँ का रोल किया था। चलिए आपको एक और मैसेज सुनवाते हैं। श्यामा जी मेरी फर्स्ट और लास्ट हीरोइन हैं और रहेंगी, आज भी हमारे हीरोइन हैं वो, और बहुत प्यार लेती हैं, बहुत प्यार देती हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ उनका कि अगर वो शह ना देती उस वक्त मेरे लिए, हाँ ना करती, तो शायद मैं हीरो ना बनता, हीरो बन के फ्लॉप ना होता, और फ्लॉप होने के बाद मैं करेक्टर आर्टिस्ट ना बनता। करेक्ट, क्योंकि आई सजेस्टेड दिस नेम इन माय मूवी। श्यामा जी, मतलब एक वक्त आपने देखा है जब यू वर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस इन द फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, उस वक्त एक फिल्म के लिए कितना पैसा मिलता था आप लोगों को? उस वक्त आप ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं या व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं? टोटल, अब तो बता सकते हैं आप। आजकल ब्लैक मनी बहुत हो रहा है, मेरे को कम से कम 45,000 to 50,000। It was a big amount. It was a big amount. और मेरे Nepean Sea Road पे 7 flat थे। Oh my God. 7 flats in Nepean Sea Road. और वो जब मेरे बच्चे छोटे थे और साहब गुजर गए, वो एक एक बेच बेच के मैंने मेरे बच्चों को एजुकेशन दी, इसलिए कि ये बड़े होके अपने पैरों पे खड़े हो जाए और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। सुनाओ भाई। I just want to tell you that at this age of 75, she is still full of life, full of energy, and she enjoys every moment, be it morning, evening or night. She's always in the entertainment mode since she is linked so closely to the film industry. She's always happy and always wanting to be around people and making them happy and entertaining them. There's no business like show business, especially for her. She's right, because you have seen me. Exactly. Because I'm not a hypocrite.
आई एम वेरी फ्रैंक. आप हिपोक्रेट नहीं रही हैं कभी, इसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में कभी दिक्कतें आई, पीपल फेल्ट बैड? नहीं 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 नहीं, आई थिंक पीपल यूज्ड टू एडमायर मी. हमारे सामने महबूब साहब क्या, कारदार साहब क्या, गुरुदत्त जी क्या. आई वॉज वेरी लकी टू हैव अ गुड डायरेक्टर बिमल रॉय क्या, और भी बहुत सारे नाम हैं. अगर मैं नाम गिनवाऊँ तो 175 डायरेक्टर के साथ काम कर चुकी हूँ. 200 से ज्यादा फिल्मों में आपने 175. फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, जो इंडस्ट्री में चेंजेस आते रहे या लोग जैसे बदलते रहे, डिड इट समटाइम्स हर्ट यू आल्सो? कि नहीं, एक डायरेक्टर थे वो कहने लगे कि भाई तुम रिहर्सल ठीक कर रही हो, टेक में ठीक नहीं हो रहा है. तो मैंने कहा आप करके दिखाइए, आपकी कॉपी मैं कर लूंगी. वैसे ओरिजिनल मैं हूँ, जैसे आप बोलेंगे वैसे बोल दूंगी. ऐसे भी हुआ. लेकिन उसके बाद शायद आपने काम नहीं किया है ना उसके बाद? हाँ, जरा हर्ट फील किया मैंने कि इतने साल काम करके किसी ने कहा कि ठीक जरा नहीं हो रहा है आपसे काम. तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि इट इज बेटर टू ग्रेसफुली रिटायर हो जाओ. तो इट इज बेटर टू बी. सो डू यू मिस द स्टारडम? नो, आई डोंट मिस. आई थिंक आई एम कंटेंटेड. तो जिंदगी से आज कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. श्यामा जी, इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत मजा आया. इट वॉज माई प्लेजर. इट वॉज माई प्लेजर. और एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, जो आपके लिए दिल्ली से लेकर आए. अच्छा, अरे वाह, ये क्या है? खोलिए, जिंदगी लाइफ की तरफ से. या अल्लाह, हमने तो नहीं मांगा था. ये हमारा प्यार है आपके लिए. सो स्वीट. खोल कर देखिए. आउच, परफ्यूम, आई लव इट. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए, यहाँ हमें ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक आपका अपना जो फेवरेट कोई सॉन्ग हो वो गा दीजिए और हम दर्शकों को भी दिखा देंगे. मेरा अपना एलो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नहीं नहीं प्रीत रे. एलो मैं हारी पिया, एलो